नमस्ते, बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत जो अपन ने राजस्थान में जो शिक्षा का प्रशासन निम्नलिखित जो तीन स्तरों में बांटा गया है उसमें फर्स्ट और सेकंड के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं और आज अपन थर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो राजस्थान में जो शिक्षा का प्रशासन निम्नलिखित तीन स्तरों पर है ना, तो इसमें अपना जो थर्ड है आज राजस्थान में विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन। राजस्थान में विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन आज का जो अपना टॉपिक है राजस्थान के जो विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन, इसके अंतर्गत जो अपने राजस्थान में जो शिक्षा का प्रशासन राजस्थान में शिक्षा का प्रशासन है ना, जो राजस्थान में शिक्षा का प्रशासन इन जो तीन स्तर है कितने तीन, इसमें तीन स्तर है जो कि अपन ने पहला है राजस्थान में जो प्राथमिक शिक्षा प्रशासन राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा का प्रशासन और इसी में सेकंड है अपना राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन जो कि आज अपन जो इन दोनों के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं, आज जो अपना राजस्थान के विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रशासन राजस्थान में विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन, ठीक है। जो राजस्थान में शिक्षा का जो प्रशासन तीन स्तर में बांटा गया है, तो राजस्थान में जो प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन राजस्थान में विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन है ना, तो ये इसके अंतर्गत अपना जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर के बारे में आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें राजस्थान में जो विश्वविद्यालय विद्यालय शिक्षा का प्रशासन जो कि राजस्थान में सन 1960 और 61 तक जयपुर में केवल राजस्थान विश्वविद्यालय था, जयपुर में केवल राजस्थान विश्वविद्यालय था। सन 1960 तक जो जयपुर में केवल राजस्थान में विश्वविद्यालय था और सन 1962 में जोधपुर विश्वविद्यालय तथा उदयपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसकी?
जोधपुर विश्वविद्यालय तथा उदयपुर विश्वविद्यालय की है ना, जो सन 1962 में जोधपुर विश्वविद्यालय तथा उदयपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। और इसमें की गई और इसमें जो बताया गया है कि राजस्थान में विश्वविद्यालय एक समग्र एवं शिक्षण प्रशिक्षण विश्वविद्यालय है, जो कि जोधपुर एकात्मक एवं शिक्षण विश्वविद्यालय है। समग्र कॉलेजों में जो 45 कॉलेज राज्य सरकार द्वारा संचालित है, कितने 45 राज्य सरकार द्वारा, जो कि राज्य सरकार द्वारा कॉलेज संचालित है। और इसमें जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है और इन कॉलेजों का प्रकाशन शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है और जो शेष कॉलेज का संचालन निजी संस्था द्वारा किया जाता है। जो शेष कॉलेज है निजी संस्थान द्वारा, ठीक है, जिसे शेष कॉलेज है वो निजी कॉलेज का संचालन निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर अपने इसके अंतर्गत जो नवीन संरचना दी है, नवीन संरचना +2+3 इसके अंतर्गत का प्रमुख परिचय नवीन संरचना 10+2+3 का प्रमुख परिचय इसके अंतर्गत जो बताया गया है, जो नवीन संरचना के संदर्भ में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर प्रोफेसर एस नूरल फसल एस नूरल हसन एस नूरल हसन ने जो सन 1917-19 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के माध्यम से नवीन संस्था की संस्तुति की, मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय आयोग के माध्यम से नवीन संरचना 10+2+3 की संस्तुति की, जिसमें जो प्रस्ताव रखा गया कि
उपाधि पाठ्यक्रम को 3 वर्ष का कर दिया जाए। क्या रखा गया? 3 वर्ष कर दिया जाए और इसके अंदर अगर बिंदु ऐसा ना होकर हो सका और जो नवीन संरचना 10+2+3 इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम अधूरा रह गया। फिर इसी के अंतर्गत बताया गया है कि जो पुनः 30 वर्ष बाद पुनः कितने वर्ष बाद 30 वर्ष बाद डॉक्टर राधाकृष्ण कौन डॉक्टर राधाकृष्ण ने सन 1948 और 49 इसमें शिक्षा आयोग माध्यम से पुनः अवलोकन विचार किया जाए ताकि संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था एक रूप में हो जाए और इससे छात्रों के जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में परिपक्वता से जोड़ा जा सके। क्या है? इससे कि छात्रों के जीवन को क्या है छात्रों के जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में परिपक्वता से जोड़ा जा सकेगा, है ना। जो छात्र के जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में परिपक्वता से जोड़ा जा सके और साथ ही शैक्षिक स्तर भी में भी सुधार होगा। क्या होगा? साथ ही शैक्षिक शैक्षिक स्तर में भी सुधार होगा। छात्रों के जीवन के शिक्षा के क्षेत्र में परिपक्वता से जोड़ा जा सकेगा और इसी के साथ में शैक्षिक स्तर में भी सुधार होगा, किंतु यह घोषणा क्रियाशील न होगा शक्ति और यथावत रही। फिर इसी के अंतर्गत सन 1951 और 53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा इस शिक्षा की जो ज्वलंता समस्या पर पुनः विचार किया गया और जिसमें इस नवीन संरचना को एक नए माध्यम से यानी कि 8+3+3 जो के रूप में प्रस्तुत किया गया और अर्थात माध्यमिक कक्षा को 8 वर्ष में पूरा करने के बाद कितने 8 वर्ष में पूरा करने के बाद 3 वर्ष उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को 8 वर्ष में पूरा करने के बाद 3 वर्ष उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए तथा वर्ष उपाधि पाठ्यक्रम के लिए रखे गए, किंतु यह प्रतिदर्शन नवीन संरचना भी संपूर्ण देश में लागू न हो सके। ठीक है, उसी के बाद फिर 1964 और 66 के अंतर्गत बताया गया है कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा इसमें जो पूरे देश में
प्रचलित शिक्षा प्रणाली का निरीक्षण किया गया और पाया कि संपूर्ण देश में चार प्रकार के प्रतिभा क्रियान्वित थे। कितने? चार प्रकार के। उसमें चार प्रकार के थे। पहला था अपना 10+2+3, ठीक है। अब फिर 10+2+2+3 फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया ये। उसके बाद योजना, जो कि पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक देश के सभी प्रांतों में लागू कर दिया जाए और शिक्षा नीति पर भी भारत सरकार ने स्वीकृत प्रदान कर दी गई। और सभी प्रांतों में इस शिक्षा प्रणाली को अपना लिया गया। फिर इसी के अंतर्गत सन 1947 में जो हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः 12 वर्षीय विद्यालय शिक्षा के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। जो विद्यालय शिक्षा क्या है, विद्यालय शिक्षा के प्रस्ताव को पास कर दिया गया ठीक है। ये जो नवीन संविधान 10+2+3 के कभी परिचय के बारे में अपन अध्ययन किया है। नेक्स्ट अपन इसमें जो सर्वदलीय पाठ्यक्रम और इसकी जो विशेषता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। कक्षकों राजस्थान के विश्वविद्यालय जो शिक्षा परिषद के बारे में अपन अध्ययन किया है। जो नवीन संरचना है 10+2+3 का जो कभी जो परिचय है उसके बारे में अपन अध्ययन किया है, ठीक है। आज के लिए इतने काफी। कक्षकों को व्यवस्थित बनाने के लिए और ज्ञान से समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।